अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर ख्वाजा, आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पहाड़ी इलाकों के अंदर। ये देख रहे होंगे कि घोड़े जो है वो दरिया नदी नाले कैसे क्रॉस करते हैं माशाल्लाह से। बड़ा प्यारा सीन, बड़ा ज़बरदस्त सीन। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सीन है माशाल्लाह से, बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही आला ज़बरदस्त किस्म का। और पानी थोड़ा तेज़ है इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सीन है, आप इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये आप देख रहे हैं, बल्कि ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा स्लिप हो रहे हैं पानी के अंदर। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, जो कि शायद आपको कैमरे में इतना फील नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं घोड़े की जो टांगें वो स्लिप कर रही हैं, और वो लेकिन फिर वो माशाल्लाह से संभल रहे हैं वापस। ये यहाँ से आके वो ये उसका बच्चा घोड़े का छोटा सा, और अभी ये यहाँ से थोड़ा सा उनका साथ टूट गया है और एक अकेला रह गया, जो कि स्लिप होता होता काफ़ी नीचे चला गया है। और अभी काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह से, और क्या ज़बरदस्त सीन है। और देखिए जी, एक दूसरे को फॉलो कैसे कर रहे हैं। जो नीचे गया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहाव कम था, पत्थर ज़्यादा थे, तो जो बाकी थे तो उन्होंने भी ना थोड़ा सा कर्व बना के, ज़रा रास्ता बना के, और उसके साथ वो चलना शुरू हो गए हैं। जो सबसे नीचे जा रहे हैं वो उसके साथ अपना साथ जोड़ने के लिए, देखें जी सारे क्रॉस करके वो ज़रा ये नदी नाले, जो कि ये पानी का बहाव इस वजह से तेज़ है कि ये पहाड़ों से आता है। अभी पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है तो पानी का बहाव इस वजह से तेज़ है। तो क्या प्यारा सीन, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से। वो कहते हैं जी देख रहे हैं, एक ये देखें जी, ये दो स्लिप होके काफ़ी नीचे चले गए। ये जी सब टूटे बट साथ ना टूटे, साथ ना छूटे, ये देख रहे हैं। अच्छा, एक वो जा रहा है जी, वो सामने आपके, उसके लिए मुश्किल था। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ उसको, ये देख लेंगे। एक बहुत नीचे चला गया है, वो कह रहा है जी मैंने वहाँ से क्रॉस करना है, लेकिन उसको कोई समझाए कि अपने दोस्तों के साथ पार करने का अपना ही मज़ा है, लेकिन वो डर गया मेरे ख्याल से। ये बाकी माशाल्लाह कितने प्यार के साथ ये ज़रा क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं जी, सारे माशाल्लाह क्रॉस कर चुके हैं, और एंड में जो है उनके जो मालिक साहब थे वो उन्होंने भी क्रॉस करना शुरू किया है। तो जो भाग के नीचे चला गया था घोड़ा, वो अभी पास पहुँचा वापस, बिल आखिर अपने दोस्तों को वो छोड़ के, तो वो अकेले तो मुश्किल था। अभी देख रहे हैं माशाल्लाह से वापस भागता हुआ है अपने दोस्तों के साथ, उसने कहा जी मैं अकेला कैसे जाऊंगा नीचे से। अभी वो वापस बिल आखिर उसी रास्ते को उसने चूज़ किया। इसीलिए कहते हैं जी जो है कि तस्बीह के दाने तस्बीह के साथ लगे रहें तो उसकी एक वैल्यू और ताकत होती है, जब वो अलग हो जाएँ तो फिर दाने की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो सो अभी बिल आखिर हिम्मत की उसने, तो अपने दोस्तों अपने साथियों तक पहुँच गया, और बिल आखिर आखिरी नंबर उसने हासिल कर ही लिया है। तो अभी जो आखिरी घोड़ा एक स्लिप हो गया है जी, ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन बिल आखिर हिम्मत की है इन्होंने, और ये अभी इन्होंने नाला क्रॉस कर लिया है जी। क्या बात है, और ये इनके मालिक जो जिन्होंने घोड़े रखे हैं, ये इनके साथ माशाल्लाह से आखिर में बड़ी बड़े इन्होंने डंडे उठाए, और ये इनके साथ अभी क्रॉस करने में कामयाब हुए हैं। थैंक यू सो मच।